दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, इस्माइल आबद बोल रहा हूँ। जैसा कि ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि यह ट्राई ड्रम बॉलर है और इसके ऊपर एक ड्राई ड्रम बॉलर लगा हुआ है, जिसका मकसद स्टीम में से पानी को अलग करना है और बेहतर क्वालिटी की स्टीम को आगे प्लांट के अंदर फीड करना है। आप ये देख रहे हैं कि एक ड्रम है, स्टीम ड्रम, किसी बड़े बॉलर का ड्रम है और ड्रम के अंदर ड्रम इंटरनल लगे हुए हैं। पहले स्टीम जो है स्टीम साइक्लोन के ज़रिए ड्रम में अंदर दाखिल होती है, स्टीम और वाटर का पानी का मिक्सचर। फिर इसके बाद स्टीम जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की कैरोगेटेड स्क्रबर्स, कैरोगेटेड प्लेट से होती हुई, परफोरेटर प्लेट से होती हुई आगे टावर की तरफ चली जाती है। जो पानी इसमें से स्टीम में से अलग होता है उसको ड्रेन करने के लिए आप देख रहे हैं कि ड्रेन पॉट्स बने हुए हैं, वो नीचे फिर ड्रम में आ जाता है। इसी तरह बॉलर के नीचे बॉलर फीड वाटर के लिए पाइप लगा हुआ है, जिसे हम रोज़ पाइप या डिस्ट्रीब्यूटर पाइप भी कहते हैं। इसका काम पानी बॉलर के अंदर पानी को इस तरह फीड करना है कि हर जगह पे पानी आसानी से पहुंच सके और यकदम बॉलर का लेवल या पानी का टेम्परेचर जो है ना वो स्टीम का टेम्परेचर कम ना हो। ये भी आप देख रहे हैं कि एक ड्रम के सेक्शनल व्यूज हैं, जिसके अंदर राइजर कमर से स्टीम जो है वो पहले बैफल के साथ टकराती है, बैफल के टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आगे साइक्लोन लगे हुए हैं, साइक्लोन के बाद फिर वही आगे मल्टी प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसे हम स्क्रबर कह सकते हैं। इसी तरह स्टीम जो है ना वो बेहतर फार्म में पैदा होकर आगे स्टीम ड्रम से बाहर निकलती है और सुपर हीट की तरफ चली जाती है। जो दूसरी राइट साइड की तस्वीर है ये भी आप देख रहे हैं, इसका बुनियादी काम भी यही है कि स्टीम जब राइजर से निकलती है, राइजर निकलने के बाद अब इसकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है, इसके बाद साइक्लोन लगे हुए हैं, साइक्लोन के बाद आगे स्क्रबर लगे हुए हैं, स्क्रबर से बाद आगे गैस स्टीम जो है वो चिमनी स्टावर की तरफ निकल जाती है। ये भी ड्रम आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के स्क्रबर लगे हुए हैं और ये हाई प्रेशर बॉयलर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये इलम होगा कि ये हम क्यों लगाते हैं। हम लो प्रेशर बॉयलर पे या पैकेट टाइप बॉयलर पे, जितना हमारे 10 टन के 15 टन के बॉयलर हैं, 10 केजी 12 15 केजी प्रेशर वाले बॉयलर, इस पे तो हम ये नहीं लगाते। हम तो वहाँ पे जस्ट लगा देते हैं कि जी स्टीम के लिए टावर के नीचे हमने एंटी प्रेमिंग पाइप लगा दिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टर पाइप लगा दिया, जिससे में से स्टीम सुराखों में से गुजरती है और तो गुजरने के बाद आगे प्लांट की तरफ चली जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि जो जो हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब 20 केजी से ऊपर चलना शुरू होते हैं, 20 से 100 केजी, 200 केजी, 250 केजी, 300 केजी, तो स्टीम के फाइन बबल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर जो हो ना, उससे स्टीम के पानी में से, पानी के लेवल में से इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि वो अपने के साथ पानी के बबल्स ले जाते हैं, जिससे स्टीम की जो प्योरिटी है वो कम हो जाती है, स्टीम में पानी की मकदार ज़्यादा जाती है, यानी कि आप समझें प्राइमिंग ज़्यादा होती है। उस मकसद को कंट्रोल करने के लिए, हासिल करने के लिए ये बॉयलर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंटरनल लगाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टीम है वो प्योरीफाई होकर बाहर निकले। आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रम है, ड्रम में से आप राइजर कमर जो है ऊपर से स्टीम ड्रम के अंदर दाखिल हो रही है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि परफोरेटर प्लेट लगी हुई है, परफोरेटर प्लेट से निकलने के बाद फिर स्टीम जब निकलती आगे जाती है, फिर एक परफोरेटर प्लेट लगी हुई है, उससे गुजरने के बाद फिर आगे आप देख रहे हैं कि फीड वाटर इनलेट के लिए पाइप लगा हुआ है, जिसे हम रोज़ पाइप कहते हैं, इसको गर्म करने के लिए पानी को गर्म करने का इंतज़ाम भी किया हुआ है, और इसी तरह डाउन फ्लो ट्यूब्स लगी हुई हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि स्टीम जो सुपर हीटर के ऊपर से जा रही है, और इस सारे का मकसद देखें, ड्रम इंटरनल मुख्तलिफ किस्म के इंटरनल लगे हुए हैं, इन सब का काम यही है कि हम लोग इस तरह स्टीम की पैदावार करें कि और स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होकर प्लांट में चले। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर टॉप है, स्टीम का सैम्पलिंग पॉइंट भी है,
कि जहाँ से आप स्टीम लेकर इसमें से जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑक्सीजन है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे काम का मकसद एक ही है कि हम बेहतर और अच्छी किस्म की स्टीम हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।